हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 15 तारीख और आज भराड़ में मेला लगने वाला है, बहुत जोर का, बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है और जो गांव के इधर उधर के हैं वो सब आने वाले हैं और यहाँ पे इनका कुमाऊं में मेला लगता है, तो वो सब मैं आपको आज दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी तो उठाई हूँ फिलहाल, फिर नहाते वहाते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे हम। फिर मैं आपको मेला दिखाऊंगा, पूरा पूरा मेला मैं कैप्चर करूंगा, द्वारहाट का क्या क्या फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन मैं कैप्चर करूंगा इसमें, इस ब्लॉग में। तो बने रहना मेरे ब्लॉग पे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलेंगे और आपको बढ़िया करके व्यू दिखाएंगे पूरे द्वारहाट का और पूरे द्वारहाट में कितने सारे लोग हैं पूरा, और जो कल्चर चल रहा है कुमाऊं वाला वो सारा कल्चर आपको दिखाऊंगा मैं। क्या मेला लगने वाला है, तो जो इसके सारे प्रोग्राम होंगे मैं आपको सारे प्रोग्राम इसमें कैप्चर करूँगा ब्लॉग में। तो पूरा एंड तक ब्लॉग देखना, तब आपको मज़ा आएगा इस ब्लॉग में और मिलेंगे आपको आगे ब्लॉग में। बने रहना मेरे ब्लॉग पे। तो गाइस, फाइनली हम जा रहे हैं आज मेले में और आपको दिखाते हैं। अभी यहीं पे ये जो गांव वाले यहाँ के, वो आसपास के जो 2-3 गांव वाले वो मिक्स होके जाते हैं यहाँ से, तो वो आपको दिखाऊंगा मैं। और यहीं पे हमारे अतिथि रह के सामने हैं, वॉचर पे आए हैं, और तो अभी जाते हैं आपको बढ़िया करके मेला दिखाते हैं आज का। तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, तो चलेंगे आपको मेला दिखाएंगे आज द्वारहाट का मेला। कल भी शायद हो सकता है कि हम जाएँ। और सामने चल रहा है अभी डांस वांस होगा और जो इनकी अपनी पुरानी परम्परा है उसके हिसाब से चलेंगे। ओल्ड कल्चर उत्तराखंड का कुमाऊनी वाला, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आपको सीधा वहीं मिलते हैं जहाँ ये भीड़ भीड़ लगी और डांस वांस हो रहा है, वो आपको बढ़िया करके दिखाते हैं, आज मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। और ये है हमारे बिक्की भाई और आगे भी जा रहे हैं मेरे साथ वाले, तो उनको भी दिखाता हूँ आपको। और ये है मेरे साथ वाले जो आगे से जा रहे हैं, और सामने आपको दिख रहा होगा ये चल रहा है डांस वगैरह यहाँ पे। और ये पुराना कल्चर, ये देखिए डंडों से लड़ाई हो रही है, तो वो सब आपको दिखाते हैं आगे। तो गाइज ये चल रहा है मेला, देख सकते हो यहाँ से जाएंगे ये पूरा द्वारहाट तक पैदल पैदल, आपको मज़ा आने वाला है। देख सकते हो आप यहाँ पर कुमाऊनी कल्चर, देख सकते हो कितना प्यारा कल्चर है कुमाऊनी, ये देख सकते हो आप। और आधे जने यहाँ हैं, गाँव जो है यहाँ पे साथ में जा रहे हैं मिक्स अप होते हुए। गाइस आप देख सकते हो ये, अब यहाँ से जाएंगे सीधा द्वारहाट। अभी थोड़ी बहुत यहाँ से दो गांव जो है वो यहाँ पे मिक्स हो गए हैं आपस में, और इसके बाद इनका जो अपना कल्चर है उसके हिसाब से अपने टाइम से जाएंगे द्वारहाट मेले में, और वहाँ पे भी फंक्शन होने वाला है, तो आपको पूरा कैप्चर करके दिखाऊंगा मैं। और ये है हमारा गोचर चौराहा यहाँ पे, और सारे बुजुर्ग लोग सब आए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो तलवारबाजी हो रही है वहाँ सामने। चलते हैं द्वारहाट की तरफ को, और एक गांव वाले और आए हैं यहाँ पे, वो भी दिखाता हूँ, बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे, तो वो सब आपको दिखाता हूँ मैं आज। ये देख सकते हो ये है दूसरे गांव वाले, देख सकते हो कितनी भीड़ है आज यहाँ पे, देखिए गाइस। और अभी द्वारहाट पहुंचे नहीं हम, द्वारहाट में तो और ज़्यादा भीड़ होगी, तो आपको सीधे द्वारहाट में मिलते हैं। अब फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं द्वारहाट, और आपको दिखाते हैं आज द्वारहाट में कितनी भीड़ है मेले के लिए, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको ब्लॉग में। बने रहना मेरे ब्लॉग पर, पूरा ब्लॉग एंड तक देखना, मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं, फिलहाल आपको दिखाते हैं द्वारहाट मार्केट और जो यहाँ पर मेला लगा है वो सब आपको दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ चल रहा है कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल डांस वगैरह, ये देखिए। Yeah.
देख सकते हो कितनी सारी भीड़ हो रही है आज मार्केट में यहाँ पे। ये देखो ये द्वाराट मार्केट जो आज काफी चमक रहा है। और गाइस ये है यहाँ पे मृत्युदय मंदिर, मंदिर है यहाँ पे। और पूरा मार्केट दिखाता हूँ आपको द्वाराट का आज, और काफी खतरनाक मेला लगा है। ये है मृत्युदय मंदिर यहाँ पे। हर साल द्वाराट में मेला लगता है, तो इस बार मैं यहाँ पे तो आपको मेला दिखा देता हूँ पूरा। और यहाँ पे ये काफी बढ़िया सुविधा कर रखी है, यहाँ पे देख सकते हो जूस वूस पीने की। ये देख सकते हो ये है द्वाराट का मेन चौराहा। तो आज और यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़। और ये वो जगह है जहाँ पे कर ये हो जगह है जहाँ पे करती है। और ये है हमारे न्यूज रिपोर्टर, देख सकते हो। तो लाइव टोटल के साथ पाड़ी न्यूज के साथ आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो है डीजे न्यूज लाइव टूर वाले भी आए हैं, देख सकते हो। ये है न्यूज रिपोर्टर और ये वो जगह है, देख सकते हो आप। और काफी भीड़ हो रही है यहाँ पे। और ये है पूरा द्वाराट चौराहा। अरे गाइस देखिए, और ये लगा है सामने झूला इतना बड़ा। और भीड़ देख सकते हो आप, कितनी सारी भीड़ है ये देखिए। और आठ सौ की जीन्स 400 में गाइस, ये देखिए 800 की जीन्स 400 में। अंकल जी कह रहे हैं 800 की जीन्स है 400 में प्राइस है। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी जीन्स है यहाँ पे, 800 की 400 में लग रही है। हमारे कन्याल भाई को जीन्स मिल गई है देखिए। तो आपको मेला दिखाते हैं, पूरा एंजॉय करवाते हैं आपको मिलेगा। अबे तक लेके चल। तो ये लगा है द्वाराट में मेला, ये लगा है मेला। और ये है मिक्की माउस, और ये बड़ा वाला झूला। और यहाँ को लगा है नाव वाला झूला, अभी आपको दिखाते हैं बढ़िया करके। अभी आप ऊपर जाएंगे गाइस, चल रहा है गेम चरखी वाला। अबे तुम लोग फेंको तो साबुन पे फेंक, साबुन पे, साबुन पे फेंक। हाँ हाँ बाहर कर सको तुम, ला मेरे पे लगा इधर देख। ऐसे कहाँ फेंक रहा है, नहीं जाएगा। इस नंबर पे जितना बड़ा होगा मैं यार कि कहां से कहां जाए कट। दो सौ हो गए भाई। अब कैसे हो गए, 50 की बॉल मिलने। हाँ 150 हो गए। चलो तो गाइस, ये लगा है द्वाराट में मेला। काफी मजेदार मेला लगा है, आपको पूरा मेला दिखा दें। लगा है द्वाराट में मेला और झूले वूले लगे हैं सब।
वो नहीं लग रही, लग तो रही है झूले के पास में, बड़े वाले झूले के पास में, बड़ा वाला झूला है क्या पता है? गाइस देखिए हम कहां रखे झूले के ऊपर, अबे दिख नहीं रहा कोई, अबे ग्रिप बनी नहीं रही है। गाइस ये लगा था द्वाराट में मेला, मैंने आपको पूरा मेला दिखाया है। अब जा रहे हैं हम वापस हॉस्टल को और अभी भी दिखाते हुए जाएंगे आपको और फिर आपको सीधा मिलेंगे अपने हॉस्टल में और ब्लॉग को भी वहीं शाम को एंड करेंगे। फिलहाल तो जाते हैं और आपको सीधा पहले व्यू दिखाएंगे पूरा द्वाराट मार्केट का, फिर मिलेंगे आपको सीधा हॉस्टल में अपने। तो ये है द्वाराट मार्केट और बारिश का भी मौसम बन गया है, बारिश होने का भी है, कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए हम जल्दी निकलते हैं हॉस्टल को। देख सकते हो आप कितनी भीड़ हो रही है द्वारा मार्केट में, मिस्त्री देखिए यहाँ जलेबी बन रही है अंकल जी को दिखा तो नहीं रहे, और आज जलेबी निकालते हैं हम अंकल जी को दिखा। ओए थोड़ा जा जा रहे वापस मेले वाले भी, और जो गांव के लोग आए थे वो भी जा रहे हैं वापस अपने घर। अब मेला मेला सब खत्म हो गया है और हम भी जाते हैं अपने हॉस्टल को। सो गाइस ये है हमारा मृत्युंजय मंदिर, यहाँ पे ये देखिए। तो आपको सीधा मिलते हैं आगे, या तो हॉस्टल में मिलेंगे या फिर आपको रास्ते में कुछ व्यू दिखाएंगे। चलिए गाइस हम पहुंच चुके हैं रोचर चौराहे में, अब आपको सीधा मिलेंगे हॉस्टल में और शाम का व्यू दिखाएंगे थोड़ा बहुत, तो उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपको सीधा हॉस्टल में। तो गाइस रात के बज रहे हैं 9 और हमारा खाना पीना भी हो गया है। तो मैंने आपको आज पूरे ब्लॉग में आपको द्वाराट का मेला दिखाया, तो काफ़ी बढ़िया मेला था द्वाराट का और बहुत ज़्यादा भीड़ थी और झूले बोले में झूले, तो आपको मैंने पूरा ब्लॉग में कैप्चर किया। कॉलेज में सेंटर भी होने वाली है तो उसके भी आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे। तो कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और बने रहना तब तक मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और आपको मिलेंगे आप कॉलेज से रिलेटेड हमारे जो भी सिंटेला और जो भी तैयारी हो रही है सिंटेला की, उससे रिलेटेड आपको ब्लॉग मिलता रहेगा और सिंटेला के दिन के भी आपको ब्लॉग सारे मिलेंगे। और
मैं अपने चैनल पे सारी वीडियो डालता हूँ, कॉलेज से रिलेटेड हो गई और अपने जौन सारी संस्कृति से रिलेटेड हो गई और ब्लॉग हो गया, बाकी जो यहाँ पे चैनल पे सब मिलेंगे। तो अपना प्यार देते रहना गाइस, आपके लिए बढ़िया सा कॉन्टेंट लाऊंगा। तो मिलते हैं, हैप्पी शिवरात्रि।